दोस्तों, हमारे सर्वाइवल सीरीज के सेकंड पार्ट में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने विलेज को फाइंड किया था, एंड इस पार्ट में हम लोग बनाने वाले हैं अपने लिए एक हाउस। एंड उसके लिए सभी लोगों को जय श्री राम। एंड इस पार्ट में हम हाउस को बनाने के बाद अपने लिए एक वीट फार्म बनाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो विलेज हम लोगों ने फाइंड किया था वहाँ पे हम लोग चेस्ट को लूटते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को पहले चेस्ट में ये मिला था, दूसरी चेस्ट में ये सब, एंड थर्ड चेस्ट में मेरे को ये सब आइटम मिला था, एंड फोर्थ चेस्ट में मेरे को ये सब आइटम मिला था। उसके बाद रात होने लगती है, तो मैं यहाँ पर अपने जगह को फाइंड करके यहाँ पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं बेड को प्लेस करने के बाद सैनमेंट्री को थोड़ा सा सॉर्ट करता हूँ, एंड उसके बाद अपनी रात को एंजॉय करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले तो बेड प्लेस करता हूँ, एंड उसके बाद स्लीप करता हूँ। एंड यहाँ पे स्लीप करने के बाद भाई मेरी जो फर्स्ट नाइट है मैं उसको स्पेंड करता हूँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करने के बाद यहाँ पर बनाता हूँ कुछ चेस्ट। तो यहाँ पर मैं तुमको प्लेस करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चेस्ट बनाता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट बना ली है एक, एंड इस चेस्ट में मैं अपने सारा फालतू आइटम रखने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं सब फटाफट फालतू आइटम सारा रख देता हूँ। एंड रेस्ट को रखने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, थोड़ा सा एरिया फाइंड जो मैंने किया था उस पर जो ट्रीज थे मैंने उसको कट करने के लिए निकल जाता हूँ। यहाँ पर मैं फटाफट चलता हूँ कट करने के लिए ट्रीज को। एंड यहाँ पर मैं फटाफट से आकर ट्रीज को कट करता हूँ, तब तक आप लोग इसको इन्जॉय करो। एंड ट्रीज को कट करने के बाद मैं वापस आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्राफ्ट करता हूँ। यहाँ पे तो मैं गलती से तीन बकेट क्राफ्ट करता हूँ। क्राफ्ट तो मैं एक करने वाला था, बट मैं गलती से तीन बकेट क्राफ्ट कर देता हूँ, जो कि मेरे से काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बट एनीवे छोड़ो, बाद में हम आयरन माइन करने जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं फटाफट से वाटर से जो अपना एरिया मैंने डिसाइड किया था उसको मैं क्लीन करने लगता हूँ। तो यहाँ पर तुम लोग कर देखो। एंड एरिया को क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैं वापस से चला जाता हूँ थोड़े से ट्रीज को कट करने के लिए। यहाँ पे मैं फटाफट से जितने भी बगीचे ट्रीज से उन सभी को कट करता हूँ। एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी डर्ट को क्लियर करने लगता हूँ, क्योंकि एरिया जो यहाँ का था वो थोड़ा सा खुदरा खुदरा लगा था मेरे को। मैं उस सारे एरियाज की डर्ट को हटा देता हूँ, एंड वापस से वहाँ पर डर्ट को रीप्लांट करता हूँ, जिससे एरिया मेरा काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। एंड रात होने की वजह से मैं फटाफट चला जाता हूँ सोने के लिए। एंड सोने के बाद जैसे मैं उठता हूँ भाई, बाकी फिर चला जाता हूँ पहाड़ पर जो विलेज था उसको लूट करने के लिए। देखो वो जो खाली जगह दिख रही है, वो जगह को मैंने सेलेक्ट किया अपने विलेज के लिए, मतलब अपने हाउस के लिए। और यहाँ पे मैं पहाड़ के ऊपर वाले विलेज को लूटने के लिए आ चुका हूँ। यहाँ पे मतलब चेस्ट के सारे सामान लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, सॉरी गलती हो गई। एंड पहले चेस्ट में मुझे ये सब आइटम मिलता है, एंड सेकंड चेस्ट में मुझे ये सब आइटम मिलता है, एंड थर्ड चेस्ट में मुझे लिटिल एमरल्ड्स मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ ओक सैपलिंग को लेने, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही कलर अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं दूसरे ओक सैपलिंग को लेने के लिए चला जाता हूँ। एंड बीच में मुझे थोड़े से आयरन्स की माइन दिखती है, तो मैं वहाँ से काफ़ी सारे आयरन्स को निकाल मतलब माइन कर लेता हूँ फटाफट से, एंड आयरन एंड कोल को माइन कर लेता हूँ। एंड उसके बाद चलता हूँ अपने ओक सैपलिंग को लेने, जहाँ पे मैं जाते पहले एक शिप को मारता हूँ। एंड उसके बाद देखता हूँ तो वहाँ पे ओक सैपलिंग मेरे को बहुत सारे मिल जाती है। फटाफट मैं उसके पास जाता हूँ, एंड यहाँ पर उसी टाइम पे भाई रात हो जाती है। और जब मैं ट्री को पूरा कट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मॉब्स स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर निकल जाता हूँ बाहर, मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा सा लेके निकल जाते हैं, लेकिन मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ। जैसे मैं ऊपर चलने आने की कोशिश करता हूँ फ्लैट प्लेस करके, तभी यहाँ पे कहीं से पता नहीं एक जॉम्बी का बच्चा आ जाता है। और मेरे समझ ये नहीं आता भाई वो पेड़ पे कैसे चढ़ जाता है। यहाँ पे तुम देखो ये जॉम्बी का बच्चा लिटरल पेड़ पर चढ़ के आ जाता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। मैं एक हार्ट पे बचता हूँ, सही बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम लिटरल 1.5 हार्ट में बचता हूँ। एंड मैं फटाफट से अपने आप को करता हूँ कवर, एंड पूरी रात मैं वहाँ पर सर्वाइव करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं घर पर वापस आता हूँ, एंड सारे सैपलिंग्स को प्लेस करता हूँ। यहाँ पर मेरे को तीन सैपलिंग मिले थे, एंड दो ये वाले सैपलिंग मिले थे वाइट वाले, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद जब मुझे ये सैपलिंग मिल जाते हैं फिर मैं अपने घर को बिल्ड करना शुरू करता हूँ। तुम लोग देखो इन्जॉय करो। उसके बाद यहाँ पे जब हाउस बन जाता है तो मैं थोड़े से आर्मर्स को प्रिपेयर करने लगता हूँ। यहाँ पे मैं पहले हेलमेट बनाता हूँ, फिर चेस्ट प्लेट, फिर लेगिंग्स, एंड उसके बाद बूट्स बनाने के बाद कुछ टूल्स बनाता हूँ अपने लिए, जो कि मैं अपने पहली बार आयरन के टूल्स अपने लिए बनाए हैं यूज़ के लिए, वरना हमेशा तो मैं स्टोन के टूल से माइन करता हूँ, क्योंकि मैं फालतू में क्यों आयरन माइन करूँ यार, इसीलिए। और यहाँ पे मेरा जो फाइनल घर का फाइनल रिजल्ट है वो तुम देख सकते हो। यहाँ पे मैंने चार फर्नेस लगाए हुए हैं, नीचे यहाँ पे मैंने एक लालटेन लगाई लास्ट पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे मैंने दो चेस्ट प्लेस किए जिसके अंदर ये सारा सामान है, जो कि मैंने ग्राइंडिंग के टाइम पे
मतलब माइंड किया था, ग्राइंड किया था मतलब। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 बैरल्स रखे हुए हैं जो कि तुम लोग को खाली मिलेंगे, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं फिल किया अभी तक। लास्ट अगले पार्ट में फिल करूँगा। एंड यहाँ पे नीचे मैं एक चेस्ट रूम बनाने का सोच रहा था जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। लिटरली मुझे इस वीडियो को बनाने में 3 दिन लग रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरे जो सैपलिंग्स है वो ग्रो हो गए थे। एंड ये वाला जो वीट था ये मैंने इसी वीडियो के बीच में बनाया था जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं अपलोड करना भूल जा रहा हूँ एडिट में, तो मैं इसको शॉर्ट वीडियो में तुमको बता दूंगा। वैसे भी आज की ये वाला पार्ट सर्विसेज का तुमको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगले पार्ट में हम लोग क्या करना चाहिए, वैसे मेरा प्लान तो है वीट फॉर्म बनाने का, तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना तुमको कैसा लगा। एंड सभी को जय श्री राम, हम मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।